हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सीएनसी वीएमसी टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश सिंह सजवाण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएनसी वीएमसी टेक्नोलॉजी। पिछली वीडियो में आपने देखा कि रैपिड में कैसे मशीन ट्रैवल करती है और स्टेट टर्निंग कैसे करती है, ये मैंने प्रोग्राम आपको दिखाया था चला करके मशीन पे, और ये इसका ड्राइंग था। आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ दोस्तों, मैं आज आपको G02 एंड G03 में किस तरह से टूल मोशन करता है मैं वो आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखते रहिए आखिरी तक मेरी वीडियो को। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो G02 मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले G02 में जब टूल मोशन करेगा तो इस तरह से मोशन करेगा क्लॉकवाइज। G02 में क्लॉकवाइज मोशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट डाला होगा एक्स और जेड का, यहाँ पे मशीन खड़ी है और यहाँ कोई कोऑर्डिनेट है एक्स और जेड का, ठीक है। सिंटैक्स इस तरह से लिखा जाता है G02 एक्स का कोऑर्डिनेट, जेड का कोऑर्डिनेट, तो यहां से लेके यहां तक चला जाएगा, एक आर्क बनाते हुए जाएगा, लेकिन आपको स्पेसिफाइड आर्क चाहिए, कोई रेडियस उसका हो, ठीक है। 2 mm, 3 mm, 15 mm, 20 mm, जो भी रेडियस का आपको सर्किल बनाना है तो यहाँ पर रेडियस आप डाल सकते हैं। बिना रेडियस के भी आर्क बनेगा, लेकिन वो आर्क अनआइडेंटिफाइड होगा कि कितना आर्क बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपको रेडियस अगर कहीं पे दिया है प्रोग्राम या किसी ड्राइंग में, तो आप वहां पे रेडियस बना सकते हैं जो है, ठीक है। इसी तरह से G03 जब आप सिंटैक्स लिखते हैं तो G03 एक्स की कोऑर्डिनेट, जेड का कोऑर्डिनेट एंड रेडियस सेम है। इसमें टूल एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा, ये रेड कलर का आपको एरो जो दिख रहा है इस तरह से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मोशन करेगा। अभी मैं आपको दोनों G03 और G02 दोनों एक साथ में एक प्रोग्राम में कंपोनेंट पे चला के दिखाऊंगा, और आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, जो है मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चल देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पार्ट बताता हूँ। ये पार्ट है, एक स्टड बना हुआ है, वॉल स्टड है, ठीक है। ये सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल का रेडियस दे रखा है 15 mm, ठीक है। इसका रेडियस है 15 mm का सर्किल बना हुआ है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है 27 mm, यहां से लेकर के यहां तक इसके कॉर्नर यहां तक की रेडियस है 31, यहां से लेकर यहां तक की डायमेंशन है 40 mm, ठीक है। यहां पे बॉल का नेक डाया है 22 mm, यहां पे इसका कॉर्नर 26 mm का है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको प्रोग्राम पे। सबसे पहले हमने प्रोग्राम लिखना है ओ, 4 digit का प्रोग्राम नंबर कोई भी, ओ 0001 जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला, N1 ब्लॉक नंबर डालेंगे आप, जो है सारे लाइन के लिए एक अलग ब्लॉक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही डालता हूँ पूरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है। वो आपके ऊपर ऑप्शनल है, जैसा आप डालना चाहते हो। G0 रैपिड ट्रैवल के लिए है, G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल के लिए है, T0 टूल जीरो करने के लिए है, टूल की कटिंग करने के बाद में टूल कहाँ जाएगा क्योंकि पहले भी प्रोग्राम चले होंगे, तो इसलिए जीरो डालना जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो आपका पता नहीं चलेगा टूल X0 Z0, आपने मशीन का ऑफसेट जहां पे लिया है G0 उस जगह पे जाना है या आपकी होम पोजीशन पे जाना है। अगर T0 डालेंगे तो आपकी होम पोजीशन पे मशीन जाएगा, अगर T0 नहीं डालेंगे तो आपका मशीन ने जहां पे ऑफसेट लिया है X और Z0 किया है वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में टूल सिलेक्शन करना है, टूल नंबर 1 है, ऑफसेट नंबर 2 है, ठीक है। M07 आपका कूलेंट ऑन करने के लिए है, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए है क्योंकि हम जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, G97 सरफेस स्पीड कैंसिलेशन के लिए है कि कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, शुरू से लेकर के आखिरी तक जो है हमारा जो RPM हमने दे रहा है ये RPM पे मशीन को चलना। G94 कटिंग जो है MM में कर रहे हैं हम लोग जो है, ठीक है, MM पर मिनट में, इसके लिए G94 है। स्पिंडल की स्पीड 3000 दे रखी है। M03 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है, स्पिंडल हमारा जो मूव करेगा घूमेगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। G0 X2.0 Z1.0 हमने यहाँ पे कहीं पे टूल ला करके रोक दिया है पोजीशनिंग के लिए, सीधे रैपिड जब होम पोजीशन से आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने होम पोजीशन पे भेज दिया था, उसके बाद इतनी सारी जी कोड डालने के बाद में अब हमने टूल को कॉल किया तो टूल रैपिड में आएगा, एक्स में 2 mm ऊपर खड़ा होगा और जेड में 1 mm बाहर यहाँ पे कहीं खड़ा होगा, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद में हमने जो है G01 क्योंकि लीनियर मोशन करना है हमको जो है, ठीक है, G01 में आगे बढ़ाया हमने,
G42 दिया है। G42 किसके लिए है, अगर हमको अपने राइट में मूव कराना है टूल को, ठीक है, तो G42 देते हैं हम लोग जो है, ठीक है। G42 में इस तरह से यहां से इधर को मूव करेगा टूल। X0 हमारा जो है यहां पे आ गया और Z0 भी यहां पे आ गया। इस पॉइंट पे हमने ऑफसेट लिया था, X0 Z0 ये है, यहां पे दोनों कोऑर्डिनेट यहां पे 0 है। फीड हमने 350 mm की फीड दी है, 350 माइक्रोन की फीड दी है, ठीक है। G03 में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, अभी मैंने आपको बताया था। G03 में ये देख सकते हैं आप, G03 में एंटी क्लॉक मूव करेगा, ठीक है। तो G03 में एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, G03 हमने दिया। X26 कहां तक जाना है हमको, X26 तक जाना है। यहां से ये देखिए, ये डायमेंशन दे रखी यहां पे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक चला रहे हैं हम इसको। ये डायमेंशन 26 है तो हमने यहां पे 26 मान लिया, यहां तक चलाना हमको, ठीक है, क्योंकि यहां 22 आ गया जो है, तो 26 यहां तक चला। 26 यही वाली डायमेंशन हमने ले ली, X26। और Z-25 कैसे लिया, जबकि हमने यहां पर 27 डाला हुआ है, कहां तक, सेंटर तक। अब आप इस डाया बॉल का जो है रेडियस देख रहे 15 mm है, तो डायमीटर में कितना हो जाएगा, ये पूरा 30 mm, और यहां पे सेंटर तक जो है 27 है, ठीक है। इसका रेडियस कितना, 5 mm, ये वाले आर्क का 5 mm, यहां पे 5 mm का गोला बनेगा, मतलब ये 30 mm का डायमीटर है, यहां 10 mm का है, ठीक है। तो इस 30 में से 5 अगर हम कम कर लेते हैं तो आ जाता है 25, तो यहां पे हमारा क्या होगा, 25 mm, ठीक है। रेडियस हमारा 15 mm का रेडियस है हमारा, ये बॉल जो बनानी 15 mm का रेडियस है ये देर का। अब उसके बाद यहां पे आके टूल खड़ा हो गया हमारा, एक्स में 26, जेड, ठीक है, यहां पे खड़ा हो गया हमारा टूल। अब यहां से हमको जो है 5 mm का आर्क बनाना है, और यहां से लेके कहां तक चलाना है, ये 26 तक ही चलाना है, एक्स में 26 चलाना है, लेकिन जेड में हमको कहां चलाना है, 31। देखिए यहां से मेजर कर, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में जीरो पोजीशन, ये है हमारी जीरो पोजीशन एक्स जेड की, यहां से कोऑर्डिनेट को मेजर करता है। तो एक्स में हमको 31 तक चलाना है, 26 से लेकर के यहां पे हमने जेड में जो रोका था 25 mm, और एक्स में 26 mm था, तो यहां से 25 mm से अब 5 mm का ये हमको ट्रेवल करवाना है, ठीक है। यहां पे आके टूल खड़ा हो जाएगा 31 mm, 5 mm का रेडियस बना करके। जेड में हमको 40, ये देख देखिए 40 डायमेंशन है ये वाली। अब हमको यहाँ पे लीनियर कटिंग करनी, केवल सीधे चलना, जेड में चलना, तो G01 Z-40 फीड हमने यहाँ पे तेजी से, क्योंकि टर्निंग करा रहे तेजी से, फीड हमने 500 की ले ली यहाँ पे, ठीक है। G0X45 अब हमने ऊपर थोड़ा सा टूल को खड़ा कर लिया, क्योंकि हमारा 40 डायमीटर का हमारा पीस है ये पूरा, ये यहां से लेके यहां तक 40 डायमीटर है, तो हमने 45 पे थोड़ा ऊपर यहां पे खड़ा कर लिया, ठीक है। यहां पे खड़ा करने के बाद में हमने अपने स्पिंडल को रोक लिया, कूलेंट को भी बंद कर दिया, M05 से स्पिंडल स्टॉप, M08 से कूलेंट स्टॉप, G0, G40, G0 रैपिड ट्रेवल के लिए है, G40 हमने टूल नोज रेडियस कंपोजिशन जो हम दिया था वो कैंसिल कर लिया 42 को कैंसिलेशन के लिए, और टूल जीरो कर दिया इसलिए अब कटिंग नहीं करेगा, यहां नहीं आएगा। X0Z0 दिया, ये यहां नहीं आएगा, कहां जाएगा, होम पोजिशन पे जाएगा, जहां पे टरेट की होम पोजिशन है वहां चला जाएगा। M30 प्रोग्राम स्टॉप के लिए है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे, आप देख रहे हैं फानुक कंट्रोल सिस्टम है, ऑपरेटर पैनल है, प्रोग्राम मैंने वही आपको यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्राम वही डाला हुआ है पूरा का पूरा, आप मिला सकते हैं इसको। मैंने एक कंपोनेंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये कंपोनेंट मेरा जो है 40 डायमीटर का है, 70 mm लंबा है, चक में माउंट हो रखा है ये, ठीक है, चक में क्लैंप कर रखा देख सकते हैं आप, ठीक है। और मैंने इसके लिए एक VNMG टूल लिया हुआ है, ठीक है, VNMG टूल से ऑपरेशन करा रहा हूँ, ये VNMG का टूल है, ठीक है, येलो कलर की इंसर्ट लगी, VNMG का टूल है। अब हम इसको प्रोग्राम को ऑटो मोड में रन करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, ऑटो मोड में गए, प्रोग्राम रन किया, ये देखिए किस तरह से टूल मोशन करेगा, ये देखिए, ये G3, G2 और ये G1, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपकी। मशीन अपनी होम पोजीशन पे जा रही है, एक्स और जेड में खड़ी हो रही है, ठीक है। ये देखिए रेड कलर से जो आर्क बना हुआ दिख रहा है आपको, ये G3 में गया, यहाँ से G2 में आया, यहाँ पे लीनियर कटिंग G1, तो यहाँ पे तीनों कोड आपके आ गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ब्लॉक डिलीट मोड में, देखिए ये टूल आया, X2 और Z1 पे खड़ा हो जाएगा आकर के,
कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, देख देख सकते हैं यहाँ पे खड़ा हो गया x2 z1 पे। अब यहाँ पे लीनियर में चलेगा, ये लीनियर में यहाँ पे आ गया। उसके बाद g3 का आर्क बनाता हुआ जाएगा, ये देखिए g3 x26 और z-25 तक। यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है 26 mm पे खड़ा हो गया x में, z में -25। यहां से इसको कितना चलना है, z में -31 तक चलना है। ये 5 mm का रेडियस बना करके यहाँ पे चला, ये G02 में क्लॉकवाइज मोशन में। देखिए यहाँ पे जब चला था तो क्लॉकवाइज है, यहां से जब चला था तो उल्टा चल रहा था, लेकिन यहां से ऐसे चला है। डायरेक्शन देखिए टूल की, ठीक है। अब इसके बाद लीनियर कटिंग करेगा G01, ठीक है। इसके बाद रैपिड में जाएगा ऊपर, ये तेजी से गया, ये रैपिड में वापस अपनी जगह पे होम पोजीशन पे चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने G0, G01, G02, G03 तीनों कोड को देखा जो है आपने, यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं जो है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जो है मुझसे, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।